गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और उसमें हम पढ़ रहे हैं एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स में अब तक हमने पढ़ा नॉमेनक्लेचर, देन वी स्टडीड एसिड क्लोराइड्स, एसिड अमाइड्स और एनहाइड्राइड्स, और आज हम पढ़ेंगे एस्टर्स। सबसे पहले देखते हैं एस्टर्स क्या है। एस्टर्स का नॉमनक्लेचर मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आज मैं एम्फेसिस दूंगा नॉमनक्लेचर पर। काफ़ी एग्जांपल्स आपको और कराऊंगा कि एस्टर्स का नाम लिखने में मैंने आमतौर पर नोट किया है कि बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती है। तो एक बार दोबारा सुनिएगा रूल और एग्जाम्पल्स जो मैं दे रहा हूँ, पहले आप खुद करके देखिए आंसर, हालांकि मैं उसका बताऊँगा। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि वॉट आर एस्टर्स। तो एस्टर्स में क्या होता है, OH ग्रुप जो है, OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय एल्कॉक्सी ग्रुप। OH ग्रुप किससे रिप्लेस हो जाता है, एल्कॉक्सी ग्रुप से। तो फंक्शनल ग्रुप बन जाता है RCOOR। इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या हो गया हमारे पास एस्टर में, ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ, ये बाइवलेंट फंक्शनल ग्रुप है। कैसा फंक्शनल ग्रुप है, बाइवलेंट फंक्शनल ग्रुप। दो ग्रुप इस पर जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है एस्टर का नॉमनक्लेचर के लिए बहुत सिंपल रूल है, बहुत ही सिंपल। आपको एसिड का नाम आना चाहिए, आप एक चीज़ बता रहा हूँ, केवल उसको सुनिए ध्यान से। यहाँ मैं आर और आर डैश लिख रहा हूँ। देखो ये वाला जो आर है ये क्या हो सकता है, एच, कोई भी एल्काइल ग्रुप या कोई भी एराइल ग्रुप हो सकता है। लेकिन जो आर डैश है ये हमेशा क्या होगा, एनी एल्काइल और ये कभी एच नहीं हो सकता, क्योंकि एच होते तो क्या बन जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब नाम लिखने के लिए देखिए, आप सबसे पहले पेन चेंज करके बताता हूं, आप सबसे पहले जो ऑक्सीजन से एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसे लिखो। कोई भी एल्काइल ग्रुप है, बिना सोचे समझे इस एल्काइल ग्रुप को लिख दें, तो एल्काइल। उसके बाद हमें कॉमन सिस्टम में नाम लिखना है या आईयूपीएसी सिस्टम में नाम लिखना है, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एसिड है, इतने वाला हिस्सा इसका एसिड का, इस एसिड का नाम हमें आना चाहिए। चाहे हम कॉमन सिस्टम में लिखें या आईयूपीएसी में लिखें, एसिड के नाम के लास्ट में क्या आएगा, एक एसिड आएगा। आप उस एक एसिड को हटाएं और क्या लगा दें, एट। जैसे आईयूपीएसी में हम बोलते हैं एल के नो एक एसिड, तो एक एसिड हटाया और क्या लगा दिया, एट, तो क्या बन गया, एल्काइल एल्केनोएट। बस इतना ध्यान रखना आपको, ये जो रूल बताया मैंने आप इसको नोट कर लीजिए आराम से धीरे धीरे सुनकर, और कभी एस्टर के नाम लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, एस्टर्स के नाम नॉमनक्लेचर पे मैंने एक अलग वीडियो भी बना रखा है, वो भी मैं आपको इस आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, तो आप उसे अलग से भी देख सकते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, और उन एग्जांपल्स के नाम पहले आप खुद लिख के देखिएगा और फिर मैं लिख के आपको बताऊंगा। जैसे एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल लिया हमने, जैसे सिंपल HCOOCH3। अब आप लोग क्या करना है, कुछ नहीं देखना, पहले तो आप क्या करो इसको लिख लो, तो इसका नाम क्या है, मेथाइल, तो आपने लिख लिया मेथाइल। उसके बाद ये देखो ये एसिड, ये एक कार्बन का एसिड, क्या बोलते हैं, कॉमन सिस्टम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, तो आप लिखो फॉर्मिक एसिड, तो आप लिखो फॉर्म, एक एसिड आ गया, आपने क्या लगा दिया, एट, मिथाइल फॉर्मेट। आईयूपीएसी में लिखना है तो नाम क्या बन जाएगा, मिथाइल। आईयूपीएसी में एक कार्बन का एसिड क्या बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड, तो नाम क्या बन जाएगा, मिथाइल मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट। ओके, दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, देखो ये दो एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, और एक इसी के नीचे थर्ड एग्जांपल लिख रहा हूँ, C2H5C OOCH3। ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के आइसोमर हैं, दोनों एक दूसरे के आइसोमर। बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों का नाम लिखने में, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये ग्रुप लिख लो, इस ग्रुप का नाम क्या, इथाइल, तो आपने लिख लिया इथाइल। अभी दो कार्बन का एसिड, दो कार्बन का एसिड क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, तो नाम क्या बन जाएगा, इथाइल एसीटेट,
एक एसिड आके आपको ईट लगाना है। आईयूपीसी में लिखेंगे तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इथाइल इथेनोएट। आई होप समझ में आ रहा है आपको नाम। नेक्स्ट एग्जांपल लिया, जैसे अब ये एग्जांपल है, अब इसका हमें लिखना है कॉमन सिस्टम में नाम और आईयूपी सिस्टम में नाम हम लिखना चाहते हैं। तो कॉमन सिस्टम में नाम लिखने के लिए पहले हम ऑक्सीजन से ग्रुप जुड़ा हुआ लिखेंगे। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल, तीन कार्बन का एसिड। चलो तीन कार्बन का एसिड क्या बोलते हैं, प्रोपियोनिक एसिड, तो नाम बन जाएगा प्रोपियोनेट। और आईयूपीसी में लिखना है तो मिथाइल, तीन कार्बन का एसिड क्या बोलते हैं, प्रोपेनोइक एसिड, तो नाम बन जाएगा प्रोपे नोएट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कुछ और एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। CH3, CH2, CH, CH3, C डबल बॉन्ड O, O CH3, राइट। अब हमें IUPAC में नाम लिखना है मान लो इसका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन से जुड़ा ग्रुप है वो देखेंगे। तो ऑक्सीजन से जुड़ा ग्रुप कौन सा है, मिथाइल, तो हम लिख देंगे मिथाइल। अब इस एसिड का नाम हमें लिखना आना चाहिए, इस एसिड का नाम क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 2-methylbutanoic एसिड, तो यहाँ लिखेंगे 2-methylbutanoic एसिड। तो ब्यूटे नो एक एसिड आके आपको एट लगाना, ब्यूटेनोइट, 2-methylbutanoid। कितना सिंपल हो गया इसको नाम लिखने को। ओके, कुछ और टिपिकल एग्जांपल्स देता हूँ मैं, साइक्लिक सिस्टम की, एरोमेटिक सिस्टम की कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको। नामनक्लेचर एस्टर्स का नाम लिखना अब बीएससी पार्ट टू में है तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह आपको आना चाहिए। ओके, मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, उसके बाद आप आंसर लिखूंगा। आप जब तक ट्राई करें अपने आप इस नाम को लिखने की, COOC2H5। नेक्स्ट एग्जांपल मैं इधर लिख रहा हूँ आपके लिए, जितनी मर्जी एग्जांपल्स बना सकते हैं, नॉमेनक्लेचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। COOCH3 और यहाँ लगा दिया हमने मिथाइल ग्रुप। मैं एग्जांपल इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना नाम ट्राई करें इसको लिखने का, तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। चलो मुझे उम्मीद है कि तीन नाम आपने ट्राई किए होंगे। अब मैं इनके आंसर्स आपको बताता हूँ। देखो इनके आंसर बताने के लिए सबसे पहले रूल, इस ग्रुप को लिखना है तो इस ग्रुप का नाम क्या हो गया, इथाइल। इथाइल के बाद अब इस एसिड को क्या बोलते हैं, इस एसिड का नाम आपको आना चाहिए। मैंने एसिड बताया हुआ आपको, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो नाम बन जाएगा इथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। अब चलो इस पे आ जाइए, इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, मिथाइल। मिथाइल के बाद इस एसिड का नाम लिखना है हमें, इस एसिड का क्या नाम लिखना है, नाम। तो इस एसिड का नाम क्या होगा, 1, 2-methylbenzoic एसिड, तो 2-methylbenzoic एसिड की जगह हम क्या लिख देंगे, बेंजोएट, मिथाइल 2-methylbenzoate। अब देखो इस एसिड का नाम लिखना, अब ये ग्रुप लगा ऑक्सीजन से, ये ग्रुप लगा हुआ है, अब इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, वह तो क्या बोल सकते हैं, पैराटोलाइल बोल सकते हैं। कॉमन सिस्टम में नाम लिखे तो हम क्या बोल सकते हैं, पैराटोलाइल। और पैराटोलाइल ये दो कार्बन का एसिड, एसीटेट, पैराटोलाइल एसीटेट। मान लो इसका आईयूपीएसी नाम ही लिखना है, तो अब इस ये ग्रुप कौन सा लगा, 4-methylphenyl, 4-methylphenyl, 4-methylphenyl ग्रुप किसमें लग गया, इथेनोइक एसिड में, तो नाम बन गया इथेनोएट, 4-methylethanoate। आई होप नॉमनक्लेचर आपको आ रहा है। और एग्जांपल देता हूँ अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, बिफोर वी डू द मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, एक दो एग्जांपल्स आपके लिए और देता हूँ मैं आपको। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए आप और अपना आंसर अपने आप लिखने की कोशिश कीजिए। C6H5, सी डबल बॉन्ड हो, CH2, CH2, COOH, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया है। नॉर्मल क्लेचर में कुछ भी लिखे हम लिखना आना चाहिए। अब हमें क्या लिखना है, ये जो ग्रुप लगा है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से ग्रुप कौन सा लगा है, ये ग्रुप लगा है,
और ये हमारा हो गया बेंजोइक एसिड। तो ऑक्सीजन से ग्रुप कौन सा लगा है, 1-2 कार्बोक्सी इथाइल। ऑक्सीजन पे ग्रुप कौन सा लगा, 2 कार्बोक्सी इथाइल। तो 2 कार्बोक्सी इथाइल ग्रुप लगा है। किसमें लगा है, बेंजोइक एसिड में। तो नाम क्या बन गया, बेंजोएट। हालांकि इतना डिफिकल्ट नाम मैं नहीं सोचता आपको आएगा, लेकिन चलो कोई एग्जांपल, एक एग्जांपल और लिखते हैं, स्पेस बचा हुआ है स्पेस पर, उसके बाद मेथड्स ऑफ प्रेफरेंसेस स्टार्ट करेंगे अपन। चलो एक एग्जांपल मैं और बताता हूँ आपको, एरोमेटिक का एक एग्जांपल देते हैं नॉमेनक्लेचर में। ट्राई करो इसका नाम, इसका नाम आपको अपने आप लिखना है। देखो ये ग्रुप लगा है मिथाइल, मिथाइल ग्रुप किसके लगा है, और उसके बाद 2 कार्बोक्सी, मिथाइल के बाद क्या लगा हमारे पास, 2 कार्बोक्सी, ठीक है, और उसके बाद बेंजोइक एसिड। तो नाम क्या बन जाएगा इसका, मिथाइल, ये पोजीशन नंबर 2 पे लगा है कार्बोक्सी ग्रुप, 2 कार्बोक्सी बेंजोइक एसिड से बन जाएगा बेंजोएट, मिथाइल 2 कार्बोक्सी बेंजोएट। आई होप नॉमेनक्लेचर की कुछ एग्जांपल्स करने के बाद आपको नॉमेनक्लेचर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे देखो, इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या करते हैं इससे, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। नेक्स्ट हम क्या स्टार्ट करते हैं वापस, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एस्टर्स। जैसे कि आपको मैंने जनरल में बताया, 3 एसिड डेरिवेटिव्स अब तक आप पढ़ चुके हैं। जो भी एसिड डेरिवेटिव्स हैं वो तो किससे बनेंगे हमारे पास, वो बनेंगे हमारे पास एसिड से। तो हेडिंग डाल दीजिए प्रेपरेशन 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 में नंबर वन प्रेपरेशन का मेथड तो हमेशा किससे होगा, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। डाल दो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी भी एसिड डेरिवेटिव को किससे बना सकते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो बना ही सकते हैं, सभी एसिड डेरिवेटिव किससे बनाए जा सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हैं। तो प्रेपरेशन में नंबर वन लिख लो, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये रिएक्शन पढ़िए, दो बार पढ़िए इस रिएक्शन को आपने, जो मैं रिएक्शन बता रहा हूँ। जैसे कि आप देखते हैं एसिड डेरिवेटिव में नई रिएक्शन नहीं आती है, सारी रिएक्शन आपके क्यू ही होती हैं ऑलमोस्ट। एल्कोहल में आपने पढ़ा, एल्कोहल की रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो क्या बनते हैं, एस्टर। एसिड की एसिड के चैप्टर में पढ़ा, एसिड रिएक्ट एल्कोहल टू फॉर्म एस्टर। तो इस रिएक्शन का नाम ही क्या हो सकता है हमारे पास, एस्ट्रीफिकेशन ऑफ एसिड। तो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का तरीका क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लो एक लाइन की, कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद एल्कोहल, एल्कोहल टू फॉर्म एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया एल्कोहल से करने पर एस्टर्स प्राप्त होते हैं। अब इस रिएक्शन की एक खास बात देखिए, जो कि मैं आपको दो बार पहले समझा चुका हूँ अल्कोहल के चैप्टर में भी और एसिड के चैप्टर में भी। एसिड बनेगा माइनस वाटर होगा, लेकिन आपको अब मैं मैकेनिज्म यहाँ नहीं बता रहा, आपको केवल एक शॉर्टकट इसका ध्यान रखना है कि OH कहाँ से आता है, एसिड से, और H कहाँ से आता है, अल्कोहल से। इसमें गलती नहीं कर देंगे, एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एच देगा और OH हम अल्कोहल से, लेकिन नहीं, OH कहाँ से आएगा इससे, और आंसर क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश प्लस वाटर। तो मैं लिख ही चुका, चलो वहाँ पर ये क्या बन गया, एस्टर बन गया। इसका हमें कैसे पता चलता है कि ये अल्कोहल है, और इसका क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, देखिए ध्यान से। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ कि CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस हमने लिखा एल्कोहल, प्लस क्या लिखा, एल्कोहल, ये एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन किया, और इस एल्कोहल में हमने ऑक्सीजन जो है लेबल्ड ऑक्सीजन ले ली O18। तो इसमें कितने सारे ऑप्शन बन जाएंगे एस्टर के, कि O18 कहाँ जाएगा। तो हमें अगर ये ब्रैकेट पता है कि नहीं OH और ये H जाता है, इसका मतलब है कि CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 O18 जो है कहाँ आएगा, एस्टर में आएगा और वाटर में नहीं आएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस ब्रैकेट का रोल, और इसका एविडेंस मैंने ये आपको एग्जांपल देके बता दिया। ऐसा नहीं कि लेबल्ड
ऑक्सीजन हम अल्कोहल में ले सकते हैं, लेबल्ड ऑक्सीजन हम यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते, कहीं भी ले सकते हैं। एनीवे नंबर टू मेथड लिखिए, फ्रॉम अल्कोहल, ये भी नई रिएक्शन नहीं है, आपने पढ़ा है, दो बार पढ़ चुके हैं। देखो इसका हेडिंग लिख रहा हूँ मैं, एसीटाइलेशन, एसीटाइलेशन, तीन बार इस रिएक्शन को आप पढ़ चुके। देखो अल्कोहल में चैप्टर में पढ़ा है इस रिएक्शन को, एसिटाइल क्लोराइड पढ़ा है तब मैंने पढ़ाया इस रिएक्शन को, एनहाइड्राइड पढ़ाया तब मैंने इस रिएक्शन को पढ़ाया आपको, नई रिएक्शन इसके अंदर नहीं आते। अल्कोहल अब आप लिख सकते हैं कोई भी एग्जांपल, सिंपल है, नई चीज़ नहीं आ रही है। एसिटाइलेशन के लिए आपको पता है दो रीजन हो सकते हैं, अल्कोहल का एसिटाइलेशन करते हैं तो रीजन कितने हो सकते हैं, दो, या तो एसिटाइल क्लोराइड यूज़ कर सकते हैं या क्या यूज़ कर सकते हैं हम, एसिटिक एनहाइड्राइड प्रोडक्ट, दोनों से क्या बनेंगे, एस्टर। लेकिन फ़र्क क्या होगा, इसके अंदर बाई प्रोडक्ट बनेगा HCl और इसके अंदर बनेगा एसिटिक एसिड। ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एसिटाइलेशन के लिए एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड दोनों में से बेटर रिएजेंट कौन सा होगा, तो उसका आंसर क्या होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्यों होगा, देखो पता चल जाएगा अभी आपको आंसर क्या बनेगा इसका। देखिए एल्कोहल का ओ रिप्लेस हो गया किससे, एच रिप्लेस हो गया किससे, एसिटाइल ग्रुप से, बाय प्रोडक्ट क्या होगा, एसिटिल। इसके अंदर भी प्लस, बाय प्रोडक्ट क्या होगा, एसिटिक एसिड। क्यों बेटर है इससे कि इसके अंदर जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है एसिटिक एसिड, अभी आपने ऊपर रिएक्शन लिखा है, ये एसिटिक एसिड भी एल्कोहल से रिएक्शन करके क्या बना सकता है, एस्टर बना सकता है। हैंस दिस इज अ बेटर रीजन फॉर एसिटाइलेशन। ओके नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, नंबर थ्री, फ्रॉम डायजोमीथेन, डायजोमीथेन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो डायजोमीथेन सिलेक्शन करें क्या बनाते हैं, एस्टर्स बनाते हैं। अगेन नई रिएक्शन नहीं है, देखो सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, डाई एजोमीथेन, डायजोमीथेन नया रिएजेंट होता है, थोड़ा सा बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। डाई एजोमीथेन, एजो का मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है, नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन डाई एजो मीथेन में लगा दिया तो क्या बन गया, डाई एजोमीथेन। आपको पता है डायजोमीथेन का पर्पज़ क्या होता है, सी एच टू इंट्रोड्यूस करना होता है, ये सी एच टू ग्रुप जो है इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा और बाय प्रोडक्ट क्या होगा, एन टू, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री प्लस एन टू, प्रोडक्ट इज एस्टर, कोई भी एस्टर जो हम इससे बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन लेते हैं, बाय टिस्चेंको रिएक्शन, टिस्चेंको रिएक्शन में आपको पढ़ा चुका हूँ कहाँ पर, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के चैप्टर में, एल्डिहाइड्स में। देखिए सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड एल्डिहाइड्स का रिएक्शन हम एल्युमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में करें, इसको हीट करें तो क्या बनते हैं, इससे एस्टर्स बनते हैं। एक्चुअली क्या होगा, इट इज़ ए मॉडिफिकेशन ऑफ कैनिजरो रिएक्शन, ध्यान हो तो इट इज़ ए मॉडिफिकेशन ऑफ कैनिजरो रिएक्शन। इसका एक मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, एसिड, एक मॉलिक्यूल बनाएगा अल्कोहल, इसकी प्रेजेंस में करने सर दोनों एसिड और अल्कोहल इन सीटू रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, एस्टर बना लेंगे, तो आंसर क्या बन जाएगा, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव इथाइल एसिटेट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ओके नेक्स्ट, बिफोर वी स्टार्ट विद द रिएक्शंस, रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हमेशा हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे होते हैं। जो पहला पॉइंट आपको नोट करना है इसके अंदर कि एस्टर्स आर प्लेजेंट स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स होते हैं। एस्टर्स कैसे होते हैं, मीठे गंध, अच्छी गंध वाले एसिड होते हैं, लोअर, पार्टिकुलरली लोअर एसिड्स के, जैसे हमें फ्रूटी स्मेल इनके अंदर आती है, प्लेजेंट स्मेल ऑफ फ्रूट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एस्टर्स, ठीक है, उनके अंदर एस्टर्स होता है। जैसे मान लो इसके एग्जांपल दें, मान लो मैं आपको, जैसे मान लो आपने बनाना लिया फ्रूट, केला, केले में जो आपको फ्रूटी स्मेल आ रही है वो स्मेल कौन से एस्टर के कारण आ रही है, इट इज ड्यू टू आइसोअमाइल एसिटेट, स्मेल इज ड्यू टू एस्टर आइसो
अमाइल एसीटेट, आइसो अमाइल एसीटेट के कारण क्या आती है, उसके अंदर स्मेल आती है। हालांकि क्वेश्चन तो नहीं आता आपको किस कारण से गंध आएगी, लेकिन थोड़ा नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि बनाना में जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर जो फ्रूटी स्मेल है, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और द अदर एस्टर इन दैम। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट, अपने हर बार डिस्कस किया, एस्टर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एस्टर्स इज लोअर देन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होता है, कम होता है, क्योंकि ये इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पड़ा है। तो आप नोट कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एस्टर इज लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज एस्टर्स कैनॉट फॉर्म इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इनमें पॉसिबल नहीं होती है, राइट। अब नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे अबाउट रिएक्शंस ऑफ एस्टर्स। तो एसिड डेरिवेटिव्स आर नॉट डिफिकल्ट, लेकिन एसिड डेरिवेटिव में एक सबसे डिफिकल्ट चीज़ है जिसमें मैंने काफ़ी एम्फेसिस दिया है, नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड डेरिवेटिव। रिएक्शंस जो आती हैं, चाहे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ें, चाहे हम प्रॉपर्टीज पढ़ें, हमने पहले पढ़ी हुई होती हैं, जस्ट उनका रिविजन हो रहा होता है। ओके, कीप डूइंग योर वर्क, थैंक यू वेरी मच।